इंग्लिश ग्रामर की इस क्लास में आज की हमारी टॉपिक है यूज ऑफ टू। प्रीपोजिशन के इस सीरीज में टू पर हम डिस्कस करेंगे। टू जो एक कंफ्यूजिंग और एक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स या प्रीपोजिशन होता है, इसका यूज डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट मीन्स सेंस अर्थ में होता है। तो कहाँ पर इसका यूज़ किस सेंस में हुआ है, किस अर्थ में हुआ है, किस रूल के अकॉर्डिंग हुआ है, आइए हम टू के इस कंसेप्ट को, इसके यूज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले टू का यूज़ डायरेक्शन या डेस्टिनेशन के लिए। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू फेयर। तो यहाँ पर क्या है, फेयर, पटना, दिल्ली, स्कूल, ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं एक डेस्टिनेशन को डायरेक्शन के थ्रू। एक डेस्टिनेशन को शो कर रहे हैं कि हमें वहाँ जाना है, हम वहाँ जा रहे हैं। अगर गो की जगह लीव या स्टार्ट का यूज़ हुआ है तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे सी हैज़ लेफ्ट फॉर दिल्ली, यानी वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। नेक्स्ट है टू का यूज़ पर के लिए। पर के सेंस में जैसे आई एम इन्वाइटेड टू डिनर, आई एम इन्वाइटेड टू लंच, दे आर कॉल्ड टू द लंच, यानी उन्हें लंच पर बुलाया गया है। तो यहाँ पर टू का यूज़ किसके लिए हुआ है, पर, यानी उसका जो सेंस अर्थ निकल रहा है वो पर के सेंस में निकल रहा है। तो यहाँ पर टू का यूज़ किया गया है। टू का यूज़ तक के सेंस में, तक, जैसे फ्रॉम और टू। स्कूल इज़ रनिंग फ्रॉम 10 AM टू 4 PM, स्कूल 10 बजे से 4 बजे तक चल रहा है। मार्केट ओपन्स फ्रॉम 6 AM टू 10 PM, यानी मार्केट 6 बजे से 10 बजे तक खुलती है। तो यहाँ पर टू का यूज़ तक के सेंस में हुआ है टाइम बताने के लिए। टू का यूज़ प्रीफर के लिए भी होता है, पसंद के लिए, कंपैरिजन के लिए। जैसे आई एम जूनियर टू हिम, यानी मैं उससे जूनियर हूँ। दे आर सीनियर टू मी, यानी वे मुझसे सीनियर हैं। आई प्रीफर कोल्ड ड्रिंक टू टी। तो प्रीफर जो एक वर्ब है जिसके साथ देन नहीं बल्कि टू का यूज़ होता है, यानी कि मैं कोल्ड ड्रिंक पसंद करता हूँ चाय के मुकाबले, चाय से ज़्यादा मैं कोल्ड ड्रिंक पसंद करता हूँ। टाइम बताने के लिए टू का यूज़ होता है। जैसे इट इज़ क्वार्टर टू टेन, इट इज़ क्वार्टर टू टेन का मतलब 10:15 बज रहा है। इट इज़ 10 मिनट्स टू टेन, इसका मतलब हुआ कि 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो यहाँ पर टू का यूज़ टाइम बताने के लिए, टाइम के लिए हुआ है कि कितने बजने में कितना मिनट बाकी है, तो वहाँ पर टू का यूज़ होता है। टू का यूज़ को के सेंस में, को के अर्थ में। जैसे आई गेव दिस पेन टू माई ब्रदर, यानी मैंने यह पेन अपने भाई को दे दिया। आई हैव टॉट दिस लेसन टू माई स्टूडेंट्स, यानी कि मैंने यह लेसन अपने विद्यार्थियों को पढ़ा दिया है। यहाँ पर टू का यूज़ को के सेंस में हुआ है। टू का यूज़ से के अर्थ में। जैसे आई सेड टू माई फ्रेंड, यानी कि मैंने अपने दोस्त से कहा। सी सेड टू अवर फादर, उसने अपने पिताजी से कहा। तो यहाँ पर टू का यूज़ से के लिए हुआ है। पास या समीप के अर्थ में भी टू का यूज़ होता है। पास या समीप, करीब के लिए। जैसे प्लीज़ कम टू मी, कृपया मेरे पास आओ। ही वेंट टू हर, यानी वह उसके पास गया। तो यहाँ पर पास के सेंस में टू का यूज़ हुआ है।
टू का यूज़ और कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे हैश टू के साथ, हैश के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ, इज एम आर के साथ भी टू का यूज़ होता है, जहाँ पर वो जैसे आई एम टू प्ले, यहाँ पर वो क्या दिखाता है, मुझे खेलना है। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता है। सी हैज टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फूट, ऑन फूड, मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हैज टू, हैव टू, हैड टू, इज टू, एम टू, आर टू के साथ भी यूज़ होता है। तो टू के कंसेप्ट में बस इतना ही, टू के जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट हमने यहाँ डिस्कस किए। आई थिंक फिर अब टू के यूज़ कहीं पर किसी भी कहीं भी यूज़ किया गया तो आप उसे समझ पाएंगे कि टू का यूज़ यहाँ पर किस सेंस में हुआ है। थैंक यू।